सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन का गोरखपुर दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान सीएम करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम गोरखपुर के पिपराइच में एक चीनी मिल का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं जिले में फर्टिलाइजर कारखाने के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। कुशीनगर में सीएम 21 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार है हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे। तो संजय, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगभग सीएम योगी आदित्यनाथ 10 बजे गोरखपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फर्टिलाइजर जाएंगे। वहां पे फर्टिलाइजर पे वहां पे भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के उपरांत वो पिपराइज शुगर मिल जाएंगे, जहां उसका शिलान्यास करेंगे। उसके पश्चात उसके बाद वो सीधे मलाव गांव जाएंगे, जहां चंदा घाट का भी वो उद्घाटन करेंगे। फर्टिलाइजर कारखाने को लेके काफी समय से लोग परेशान रहे बंद होने के बाद से, तो वहां पे क्या कुछ चीजें और संभव है? योजनाओं का क्या कुछ लाभ रहेगा लोगों को? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो गोरखपुर के वासियों के लिए एक दिवाली का बोनस जो मिलता है वो बोनस के रूप में मिल रहा है और गोरखपुर वालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये। तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से शिलान्यास और बहुत सारी चीजें, और इसके अलावा कुशीनगर से जुड़ी हुई क्या कुछ योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, उसके जो चंदा घाट के बाद गोरखपुर में 2 कार्यक्रम और भी हैं इनके। एक ग्लोबल हॉस्पिटल ग्लोबल के वहाँ पे अधिकारियों के साथ इनकी बैठक होगी, उसको लेके कुछ चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि जो बीआईडी मेडिकल कॉलेज है इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत हो रही है उसको लेके भी कुछ चर्चा होने बाकी है। उसके उपरांत कल सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर जाएंगे, वहाँ लगभग कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास और आधारशिला वहाँ कुशीनगर में भी रखेंगे। जी संजय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम का गोरखपुर दौरा, तमाम योजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन फर्टिलाइजर फैक्ट्री के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं आज गोरखपुर और कल कुशीनगर पे मौजूद रहेंगे, जहां पे करोड़ों की परियोजनाओं का और योजनाओं का शिलान्यास होगा।